वहाँ पे एक लड़की को कॉल की तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग पे तो फ़ोन नहीं है और तुम्हारी लड़की सेफ्टी में है और आप परेशान मत हो, घर चली जाएगी। अब क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ से उसको लड़की को उठाया गया मेरी, और एक का हाथ में नहीं है, मैं या न्याय मांग रही हूँ कि माँ का दर्द अब क्या होता है क्या आप जानते हो। मेरी लड़की 11 सवा 11 बजे ऑफिस चली जाती है, डीएम ऑफिस, फिर उसका आने का टाइम है 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक। मैं जब तक लो इंतजार, मैं जब आया घर से घर पे तो वो लड़की आई नहीं थी, उसकी एक कॉल आ हुई थी तो वो मैंने कॉल इसने इसकी मम्मी ने देखी तो वो कॉल में तो वाइब्रेशन लगा हुआ था, हमने वो उसका ध्यान नहीं करा। तो मैं सुबह तो 9 बजे अपने काम पे निकल जाता हूँ, मेरी लड़की 11 सवा 11 बजे ऑफिस चली जाती है, डीएम ऑफिस, फिर उसका आने का टाइम है 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक। मैं जब तक लो इंतजार, मैं जब आया घर से घर पे तो वो लड़की आई नहीं थी, उसकी एक कॉल आ हुई थी तो वो मैंने कॉल इसने इसकी मम्मी ने देखी तो वो कॉल में वाइब्रेशन लगा हुआ था, हमने वो उसका ध्यान नहीं करा। हमने फिर उसके बाद आधे घंटे बाद हमने कॉल करी तो उसका स्विच ऑफ जा रहा था, तब उसका स्विच ऑफ जा रहा था तो हमें तलबली बच गई है, कभी स्विच ऑफ नहीं गया था। फिर मैंने लड़का भेजा हमदर्द पे, हमदर्द पे गया 10:30 बजे, लोग देखता रहा, जब वो नहीं आया तो फिर मैंने आया, आकर मैंने फिर मोटरसाइकिल उठाई और सीधा मैं डीएम ऑफिस पहुंच गया। जब डीएम ऑफिस गया मैं, वहां जाकर मैंने जो गार्ड खड़े थे उनसे पूछा कि भाई जो मेहरा साहब हैं उनके अंडर में एक राबिया नाम की लड़की काम करती है, तो उन्होंने बोला कि मेहरा साहब तो पुलिस उठा कर ले गई, बोला पुलिस उठा कर ले गई कि हाँ पुलिस उठा कर ले गई, आप 8 बजे आना सुबह को। हम सीधे चले आए, उसके बाद जो इस उसके लड़की के राबिया नाम की लड़की जो है मेरी बेटी, उसके जो स्टाफ के थे उन स्टाफ से पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिल गया उनसे, कोई कह रही मुझे एक लड़की ने तसल्ली भी दी है क्या ठीक है तुम्हारी लड़की सेव है, मेहरा साहब के मेहरा साहब को उसके जो मेहरा साहब हैं पूछताछ के लिए उस लड़के को भेजा। मेहरा साहब सर डीएम ऑफिस में है। कौन है डीएम ऑफिस? डीएम ऑफिस सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं। हाँ कर्मचारी हैं, इनके चलान वलान काटते हैं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हाँ तो उनके नीचे ये तो है, सारा काम करती थी, जितने चलान थे सब कुछ थे, ये अपना कागज वगज बनाती थी। तो उस लड़के ने जब मुझे तसल्ली दिला दी कि अब वो सेब है तो मुझे फिर तसल्ली हो गई, फिर मैं फ़ोन इधर उधर करता रहा, मेरा कोई जासूस नहीं मिला उसे, तो फिर मैंने सोच लिया कि उसे अपहरण कर लिया, उसको ज़बरदस्ती ले गए, और जब ले गए तो फिर मैं सुबह मेरी आँख खुली, फिर मैं इधर उधर भागा, सब मैं ढूँढा ढांडा नहीं मिली। अचानक मैं जब घर लौटा तो एक ऐसे डीएम वो SHO और एक दरोगा साहब वो मेरे घर पाए, वो मुझे रास्ते में मिले। मैं अपनी घरवाली से बोल लिया कि चलो डीएम ऑफिस चलें, 8 बजे बुलाया है, तो उन्होंने मेरी बात सुनी और बात सुनकर बोले कि ऐसा तुम ही हो लड़की के पापा? मिला हाँ। कि ऐसा सूरज कुंड आ जाओ थाने में। मैं बोला जी लड़की में है? बोले हाँ है। तो मैं हम दोनों मियाँ बीवी गए, जाने के बाद बोले कि तुम्हारी बीवी कोई बीमारी तो नहीं है? मैं बोला जी इसे तो है, BP हाई हो जाता। बोले ऐसा करो इसे वहाँ बिठाओ, अब मेरे पास आ जाओ। तो उन्होंने बोला राबिया का कत्ल कर दिया गया है। बोला जी किसने किया है आप बताओ तो, क्या गुनाह है ऐसा जो कत्ल किया? बोले कि जिस लड़के ने कत्ल किया है वो लड़का दिल्ली थाने में जाकर हाजिर हो गया है कि मैंने मर्डर किया है। लड़का भी साथ काम करता था? लड़का उनके स्टाफ का ही था, उसे बकाए में ले लिया गया, वही जो मेहरा साहब है उसके क्या उनके गवाही होगी या तुम लेकर चलो। आपको क्या लगता है सिर्फ एक लड़के ने ही मर्डर किया कि और कोई? ओ, देखो जैसी उसकी हालत थी, 25-30 चाकू लगे हुए थे जिस्म के अंदर, तो उससे उस चीज़ को देख कर मुझे लगता है कि 2-4 जनों का हाथ है उसमें, मुंह पे
मुंह पे छाती पे लैट्रिन की जगह और उसका बलात्कार भी करा गया है। आपके प्रशासन से दिल्ली पुलिस से क्या मांगे अब तक? विजय जी सर, मुझे अन्याय ये चाहिए, फांसी होनी चाहिए सर। क्या नाम आप? जी मेरा नाम परवीन झा। क्या हुआ था आपकी बेटी? मेरी बेटी यहाँ से 27 तारीख को ड्यूटी गई थी, ठीक है, यहाँ से 11 बजे के टाइम पे गई थी। 6 से 7 के बीच में मेरी बेटी आ जाती थी। जब 6 से 7 के बीच में नहीं आई तो फिर मैंने उसको मतलब वहाँ भेजा DM ऑफिस। वहाँ से बोले कि ठीक है, यहाँ से सब छुट्टी हो चुकी है, आप सुबह 8 बजे आके मिलना। जो उनके स्टाफ के थे, मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक लड़की को कॉल की तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग पे तो फ़ोन नहीं है और तुम्हारी लड़की सेफ्टी में है और आप परेशान मत हो, घर चली जाएगी। अब क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ से उसको लड़की को उठाया गया मेरी, और एक का हाथ में नहीं है। मैं यह न्याय मांग रही हूँ कि माँ का दर्द अब क्या होता है क्या आप जानते हो? मेरी बेटी से डिफेंस में थी। जब शाम को आपकी बेटी घर नहीं आई, उसके बाद आप DM ऑफिस गई, क्या बोला उन्होंने जो उनके साथ काम करते? बताओ क्या बोला? सुबह को 8 बजे कि उन्होंने बोला था सुबह को 8 बजे आना, जो गार्ड थे वहाँ पे, जो गार्ड थे वहाँ पे। डेड बॉडी के बारे में कैसे पता चला आपको? डेड बॉडी के बारे में ऐसे पता चला कि हम पूरी रात उसको घूमते रहे स्टाफ वालों के यहाँ, ठीक है, कुछ पता नहीं चला। हमसे यही कहते रहे सेफ्टी में है, सेफ्टी में है। सुबह 8 बजे होते होते हम दोनों मियाँ बीवी उठे और एक लड़की के घर पे गए, तो इतने लोग मेरे घर पे पुलिस वाले HO और दरोगा हैं, वो मेरे घर पे आ चुके थे। आपको क्या सूचना मिली कि आपकी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही है? मुझे सूचना ये मिली कि उन्होंने कहा कि थाने आप आ जाओ, कौन सा वो है ये सूरज कुंड के थाने में आप आ जाओ, ठीक है। हम दोनों लोग यहाँ से गए तो उन्होंने पूछताछ की कि आपकी बीवी बीमार तो नहीं रहती हैं? तो मैं बीमार हमेशा रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई इनका कोई काम नहीं है, आप जाइए इनको छोड़ के और किसी सम आदमियों को लेके आइए। फिर उन्होंने यही कहा कि आपकी बेटी का गला काट दिया गया, 25 से 30 चाकू लगे हुए थे, कि मतलब जो देख लिया था उसको जाफ आ जा रही थी, कि मतलब कोई भी कैडी से कैडी बताओ कि क्या कोई भी मारेगा तो इस तरीके से नहीं मारेगा जो मेरी बेटी को घायल और जख्मी किया गया। मिली थी आपको सूरजकुंड थाने से? 8 बजे के टाइम पे आए थे वो, अगले दिन 8 बजे। जी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया किसी मामले में? बोल पुलिस ने यहाँ कोई हमारे घर पे बस वो 8 बजे आए थे और हमें कुछ पता नहीं है। जब हम यहाँ से थाने गए तो वो लड़का वहाँ पे पता चला कि लड़का आया हुआ है, हम लड़के को जानते नहीं है, हम नाम निशान का हमें तक का नहीं पता है। आप जानते हो माँ का माँ बाप का दिल क्या दर्द होता है कि बताओ, मेरा दिल रो रही है कि जवान बच्चा मेरे आगे से गया, मेरा बच्चा तो नहीं मिल सकता। हमने सूरज कुंड में ही उन्होंने किए। बताओ कि जब बेटी वहाँ रहती है और वो वहाँ का सुनने वाला है तो उसका मतलब क्या था कि सूरज कुंड के थाने में जाने का? थाने तो और भी थे। अभी तक क्या प्रशासनिक या नहीं आया, किसी ने सुनवाई मेरी नहीं की है। क्या अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यह है कि मेरी लड़की को जब मिलेगा, ठीक है, मुझे खून का बदला खून चाहिए और उसको फांसी लगनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।